आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन मुद्दा है, 23 मार्च को दबलैड में समय 4:15 के आसपास राकेश कुमार नाम के व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में है। मैं आपको पता चलूं कि 4:15 बजे के आसपास राकेश कुमार सना मेलाराम, जो बलेसर का निवासी है, वो अपनी स्कूटी पे जब दबलैड के एरिया में पहुंचता है तो एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की, उसमें 5 लोग सवार थे जिन्होंने राकेश कुमार का रास्ता रोका और शार्प एज वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया, उसको ग्रीवियसली इंजर्ड किया। जैसे ही खबर पुलिस स्टेशन आरसपुरा को पता चली, इमीडिएटली पुलिस पार्टी वहां मौके पे पहुंची, इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हुए जो अक्यूज्ड पर्संस थे उनको पंजाब में दबोचा गया और फिर पंजाब से वापस आरसपुरा लाया गया। जो मेन मोटिव था मर्डर का, 2016 में अहमिया थाने में विक्रम सिंह का मर्डर हुआ था, जो FIR नंबर 38 है। उसमें जो इस केस में विक्टिम है वे वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन था और जब 2019 में उस केस में राकेश कुमार और उसके बाकी साथी जो थे उनका कत्ल होता है तो विक्रम सिंह के जो बेटे हैं और उनमें से एक और उनका रिश्तेदार है नगवेंद्र सिंह, मुझे डिसाइड करते हैं कि हम अपने बाप का मर्डर का बदला लेंगे। इनके साथ इनके कुछ साथी ज्वाइन करते हैं तो जो उसमें अक्यूज पर्सन हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। मोहिंदर सिंह है, रविंदर सिंह है, दोनों जो विक्रम सिंह के बेटे हैं। पवनदीप सिंह है अलियास रूबल, ये इनका फ्रेंड है। एक इसमें लखविंदर सिंह है अलियास लखा, जो बंबूचक रामगढ़ का रहने वाला है, वो इनका रिलेटिव है। इसके साथ ही बंबूचक का एक और अक्यूज्ड है बंटी वर्मा, वो भी मौके पे था। संजीव वर्मा जो गंगियाल का रहने वाला है, उसके भाई की गाड़ी जो है इसमें यूज हुई है। मौके पे जो 6 में से 5 लोग मौजूद थे, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है टोके जो है वो इन्होंने रामगढ़ के एक नंगा गांव में गेहूं के खेतों में छुपाए हुए थे, जो बाद में पुलिस ने रिकवर किए और सीज किया केस में। 5 अक्यूज जो हैं 25 तारीख को अरेस्ट हुए थे, 25 मार्च को, और जो छठा अक्यूज है वो 28 मार्च को अरेस्ट हुआ था। सारे के सारे अक्यूज जो हैं
पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे है। इनकी सस्टेन्ड जो इंटरोगेशन है वो चल रही है। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो मेन मोटिव था, विटनेस को भी थ्रेट कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हाथ दिखाते हुए, जो कटे हुए हाथ हैं, तो कितना एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है। ग्रूसम मर्डर किया, उसके बाद ऐसा इतने हौसले बुलंद हो गए हैं इन अपराधियों के कि आप कैसे इसको टैकल करेंगे? जम्मू पुलिस, जम्मू पुलिस की ओर से मैं ये आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर भी कोई भी अगर उनके एरिया में कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, अगर उनको उनके ऊपर शक होता है कि कोई ये वारदात कर सकते हैं किसी भी नेचर की, उसके बारे में तुरंत जो है पुलिस को बताया जाए, हम उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। रही बात जो आपने कहा कि इन्होंने सोशल मीडिया में अपना वीडियो बना के जो वायरल किया, जो इन्वेस्टिगेशन में अप्रोप्रिएट जो सेक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी और इसको भी फैक्टर किया है। सर, ये पंजाब में भाग गया, क्या आपने वहाँ किसी रिलेशन के घर पे जाकर रुके थे या कोई किसी और अपने या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पाई? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो टेक्निकल और ह्यूमन इंट के थ्रू जब ये मूव कर रहे थे एक गाड़ी में, पांचों एक ही गाड़ी में थे, तो इनको हाईवे के ऊपर ही इंटरसेप्ट किया गया और फिर वहाँ से वापस लगे। सर, ये जो क्यूज है इनका कोई शॉपिंग वेपन वगैरह है, ये कहाँ से प्रोक्योर किए और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पहले? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एज सच कोई इनका पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड एज सच नहीं आया है। मेन जो इनका मोटिव था मर्डर करने का, जो इनके फादर का जो मैंने बताया कि विक्रम सिंह का जो मर्डर हुआ था, तो उनके जो बेटे हैं महेंद्र सिंह और रविंदर सिंह, इन्होंने मेन जो है प्लानिंग की थी कि हम अपने बाप के मर्डर का बदला लेंगे, और जो वन ऑफ द जो अक्यूज पर्सन है राकेश कुमार, तो उसका उन्होंने मर्डर किया। सुभाष नगर में आज कोई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे रेड चल रहा है, कुछ ऐसा सुनने में आया सर, क्या है वो पूरा केस है, कभी अनफोल्ड करेंगे? आज की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग है वो इसी इशू को लेके थी, जो 23 तारीख को दबलाड आरसपुरा का मर्डर हुआ था, जो दूसरा जो ड्रग्स के ऊपर आपने बात की, तो उसका मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू पुलिस ने इस साल 65 केस रजिस्टर किए हैं, 78 जो लोगों को जो है अरेस्ट किया है, 14 जो है जो पैडलर हैं उनको पीटीडी केस में डिटेन किया है, 3 लोगों की जो है फैमिली को अटैच किया है, लगभग जो 27 केस ऐसे हैं जिसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस अनअर्थ करने में, और जो भी लोग उसमें मुलविस थे उनको केस में लाया गया है। तो इसके साथ ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जम्मू पुलिस की ओर से, जो स्कूल कॉलेजेस में और जनता को ड्रग्स के जो इल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जा रहा है, आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके एरिया में कहीं भी ड्रग पेंडिंग हो रही है या कहीं उनको कहीं कोई एडिक्ट करता है, तो उसके बारे में हमें बताएं, जो एडिक्ट है हम उसको जो है डी एडिक्शन सेंटर के लिए गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी प्रॉपरली। जो छोटे ड्रग पेंडलर हैं अगर वो पेंडिंग में, जैसे आपने कहा कि पेंडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। रेशमदार कॉलोनी का आपने जिक्र किया, जैसे हमें पता चला कि वहाँ पे जो है ओवरडोज से डेथ हुई है, वहाँ पे पुलिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है हमारा दक्षिण नगर, उसके ऑफिसर ने वहाँ के उनकी फैमिली में विजिट किया, पूरा पता लगाने की कोशिश की गई कि अगर ये डेथ जो है ओवरडोज की वजह से है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी वहाँ डेथ हुई है उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बट हमने अपनी जो है प्रेजेंस, चाहे वो यूनिफॉर्म में है या सीरीज में है, बढ़ाई है डिस्ट्रिक्ट में, बाकी भी जगहों पे भी जो हमारे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली जो रेड्स किए जा रहे हैं, रेड की फर्दर प्लानिंग हो रही है, और पुलिस प्रेजेंस जो है बोथ इन सीरीज एंड इन यूनिफॉर्म इन एरियाज में हमने
बढ़ा दी है। सर इस केस में जैसा आपने कहा कि इस मसले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, तो मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है, ऐसे अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो तो उसकी पोस्ट को फर्दर स्प्रेड ना किया जाए, लोगों में पैनिक होता है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में पुलिस को बताया जाए ताकि हम उसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।